पति के अवैध संबंधों और ससुराल वालों द्वारा दहेज कम लाने पर उत्पीड़न से परेशान होकर नवविवाहिता ने अपने मायके में कमरे में जाकर रो रोकर एक वीडियो बनाई। आइए आपको दिखाते हैं कि महिला ने वीडियो में क्या कहा और उसने आत्महत्या क्यों की। मेरे पति अभिषेक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते। उनका किसी दूसरी जाति की लड़की के साथ अफेयर था और वो उसी से शादी करना चाहते थे। अभिषेक के चाचा धर्मपाल और चाची किरणपाल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। उन दोनों ने मेरे घर वालों से झूठ बोलकर धोखे में रखकर ये शादी करवाई और शादी के बाद वे दोनों शुरुआत से मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान करते थे। उन्होंने मुझे दहेज के लिए बहुत परेशान कर और अगर मैं वहाँ वापस गई तो चाचा चाची मुझे पहले से भी ज़्यादा शारीरिक और मानसिक रूप से बहुत परेशान करेंगे। मैं अपने घर आई हुई हूँ, वो अभी भी मुझे बहुत बदनाम कर रहे हैं और मेरी रोने वाली वीडियो को दिखाकर मुझे पागल साबित करना चाहते हैं और मुझे मानसिक रूप से अभी भी परेशान कर रहे हैं। उन दोनों की वजह से परेशान होके मैं अपनी जान दे रही हूँ उस वीडियो की वजह से, जिससे वो मुझे पागल साबित करना चाहते हैं। मेरी मौत के जिम्मेदार चाचा धर्मपाल और चाची किरण वाला है। एक महिला, विवाहिता महिला द्वारा अपने मायके में आत्महत्या किया गया है, सुसाइड नोट, और उसके द्वारा सुसाइड से पहले जो वीडियो अपलोड की गई थी दोनों प्राप्त हो गए हैं। उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। उसने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि उनके द्वारा प्रताड़ित किया जाता था।